मैनु बड़ा टॉर्चर किया, मैनु बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। मैं अपने अंदर गल्लां पाईआं, अपने अंदर हस के गल्लां पाईआं। मेरे पति विदेश रेंदे ने, मैं बड़ा इन्होंने मैनु मार कुट कट के करके मैनु घरों बाहर काढ़ दिता। गुआंढियां दी हैल्प ली, किसी ने मैनु हैल्प नहीं दिती किसी ने। फिर मैं ठाणे गई, ठाणे मेरे कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा बच्चा 7 साल का वे उत्थे उस घर विच रह रहा है, पर सानू अज नाल घरों बेकार कर दिता। मैं अपने सहुरे दे होंदे उत्थे रह रही हां। मेरा सवाल ही फैली कितने रख दिता नाल। मैं अपने घर वाली भी मेरे 16 साल मेनु उपर चाढ़ के गए सी। 12 साल हो गया मैं इस घर च रहिंदे। मेनु बड़ा टॉर्चर किया, मेनु बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। मैं अपने अंदर गल्लां पाईआं, अपने अंदर हस के गल्लां पाईआं। विदेश विच है मेरे पति, विदेश विच रहिंदे ने। मैं बड़ा इन्होंने मैनु मार कुट कट के करके मैनु घरों बाहर काढ़ दिता। गुआंढियां दी हैल्प ली, किसी ने मैनु हैल्प नहीं दिती किसी ने। फिर मैं ठाणे गई, ठाणे मेरे कोई सुनवाई नहीं हुई। एस एच ओ ने भी कुछ नहीं किया, कहिंदे कोई इंसाफ अज तक इंसाफ नहीं मिलिया सानू उन्हां कोलों। अज तक नहीं इंसाफ मिलिया, साढ़े बयान भी हो गए हॉस्पिटल, पर कोई इंसाफ नहीं मिलता पिया सानू। मेरा बच्चा 7 साल का वे उत्थे उस घर विच रह रहा है, पर सानू अज नाल घरों बेकार कर दिता। मैं अपने सहुरे दे होंदे उत्थे रह रही हां। ब्याह के आई है 12 साल, 2010 तो ब्याह के आई है उस घर विच। अज इन्हां ने मैनू बाहर कढ दिता इन्हां ने मैनू। हुण तुहाडी मांग की है, तुसीं की चाहुंदे? मैं इंसाफ चाहनी है मेरा, मैनू अपना घर चाहिदा, मैनू हक चाहिदा अपना। मैनू कंप्लेंट चलदी है सीनियर अफसरां कोल, उत्थे जिहड़े कल बुलाया सी इन्हां नूं, जो भी इन्हां दी कंप्लेंट है जो भी डिसीजन होगा उस तों बाद जो बनती कानूनी कार्रवाई कर दित्ती जाऊगी। हांजी, 11वें महीने दी कंप्लेंट है। अच्छा, लड़की जिहड़ी है अपने छोटे बच्चे नाल आ के ठंड दे विच बैठ गई है, पर उहदा बराबर अप्रोप है कि तुहाडे वल्लों किसी प्रकार दी कोई कार्रवाई नहीं कीती गई? मेरे कोल कंप्लेंट्स नहीं चलदी इहदी, जिहड़ी बाहर कढ़न संबंधी है उह चलदी, जिहड़ी सीनियर अफसर कोल चल रही है उह तफ्तीश कर रहे ने। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो बनती कानूनी कार्रवाई हो जाऊगी। कल ही इन्हां दी इन्वेस्टिगेशन वास्ते इन्हां नूं बुलाया सीगा, इह अपनी स्टेटमेंट देण वास्ते ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ। ਲੇਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।